अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नई जिंदगी टीवी। खबर शामिल करते हैं दानियावाला से। मैं एक शहीद जनरल का बेटा हूं, ये मेरे और मेरे खानदान के लिए एजाज की बात है। मैं मुतअद्दिद बार रुकन असेंबली रहा हूं। अब अफगानिस्तान में से इलेक्शन लड़ने का मकसद ये नहीं कि मैं इलेक्शन जीत के दोबारा असेंबली में जाऊँ, बल्कि जो इलाका हमारे खानदान को रोजगार देता है अब उस इलाके की खिदमत करना है। इन ख्यालात का इजहार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली अफगानिस्तान में हुमायूं अख्तर ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है मेरे मजकूरा हल्के के अवाम इलेक्शन मुहिम में मेरा भरपूर साथ देंगे। इंशाल्लाह अमली तौर पर अफगानिस्तान में से पसमानगी खत्म करके खुसूसी तौर पर नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में पॉलिसी तरतीब देंगे। मेरे खानदान को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। मैं एक शहीद जर्नैल का बेटा हूँ। सबसे बड़ी इज्जत हमारे खानदान के लिए वो है। और मैं 35 साल से सियासत कर रहा हूँ। मैं बहुत दफ़ा असम्बली में गया हूँ। मैं 8 साल पाकिस्तान का वजीर रहा हूँ। तो मेरा मकसद इस वक्त ये नहीं है कि एक बार फिर इस्लामाबाद जाके वजीर बन जाऊँ। मेरा मकसद ये है कि ये इलाका जो कम अज़ कम मेरे ख़ानदान को रोज़गार देता है, मैं अब उसकी खिदमत करूँ। ये पैगाम है, ये लेके आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरी इस मुहिम में मदद करें। अपने अपने ख़ानदानों, अपने अपने दोस्तों, अपने अपने दोस्त अहबाब, जो भी आपका कर सकते हैं, हर किसी इंसान की जो भी जद्दोजहद होगी वो फ़र्क डालेगी इस हमारी जद्दोजहद में। ये ना समझें कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। आप एक इंसान हैं, आप एक ख़ानदान का हिस्सा हैं, आप एक बरदरी का हिस्सा हैं, आप इस इलाके के रहायशी हैं, आप बहुत फ़र्क डाल सकते हैं। हर कोई समझे कि ये मेरी मुहिम है। हर कोई समझे कि मैं भी अपना एक रोल अदा करूँगा इस इलाके में बेहतरी लाने के, और इस इलाके को हम तरक्की के रास्ते पर डालें, इस इलाके में हम मज़ीद खुशहाली लाएं। तो ये आपके लिए पैगाम लेके मैं हाजिर हुआ था, और मुझे उम्मीद है कि आप आज से इस मुहिम का उसी तरह हिस्सा बनेंगे जिस तरह मैं खुद इसका हिस्सा बनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।